वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। मैं अनुपमा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनुपमा ब्लॉग्स एंड ब्यूटी में। और आज कोई ब्लॉग वीडियो नहीं है, एक छोटी सी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी घी का, और मैं घी कैसे निकालती हूँ। आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से आप बहुत सारा घी निकाल सकते हो, बहुत ही ज़्यादा क्वान्टिटी में आप घी निकाल सकते हो। तो चलिए मैं फटाफट से उस ट्रिक को बताती हूँ, ठीक है। मैं ऐसे ही हमेशा घी निकालती हूँ और मेरा मतलब सालों साल पड़ा रहता है ये घी, 5-5, 6-6 महीने का मेरे पास घी पड़ा हुआ है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। आप उसको ऐसे भी स्टोर करके एकदम रख सकते हो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, रूम में, मैं तो किचन में ही रखती हूँ और स्टील के डब्बे में रखती हूँ मैं, उसमें काफ़ी सेफ रहता है, ख़राब नहीं होता है। तो जो ट्रिक मैं बताऊंगी, आई थिंक वो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है और उससे बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में घी निकलता है, सच मानिए। मैं बहुत सारा घी ऐसे निकाल करके मतलब रखी हुई हूँ और मैं मार्केट से घी कभी नहीं मंगाती, मैं घर ही का मलाई से घी निकाल करके और उसी को मैं यूज़ करती हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्ट अच्छा होता है और मार्केट का मतलब मिलावटी वगैरह ज़्यादातर मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, जो हमारे आई थिंक सभी के वहाँ दूध आता ही आता है, मलाई इकट्ठी होती ही होती है, और बस उसी मलाई से मैं घी निकालती हूँ। और कितना ज़्यादा मैं घी निकालती हूँ तो चलिए फटाफट से मैं दिखाती हूँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने कितना सारा घी निकाल करके रखा हुआ है और हमेशा ही मतलब मैं इतना सारा घी निकालती रहती हूँ। तो चलिए मैं बताती हूँ कि कैसे मैंने घी ये निकाला है, कोई झंझट नहीं है इसमें, बहुत ही आसानी तरीके से निकालते हैं हम। तो ये देखिए, फ्रिज में मैं मलाई इकट्ठा करके रखती हूँ, जब ज़्यादा हो जाता है तो मैं क्या करती हूँ, रात भर ऐसे एक कढ़ाई में, एक बर्तन में आप निकाल लीजिए और रात भर उसको ऐसे ही ढक करके छोड़ दीजिए, ठीक है। और मॉर्निंग में क्या करिए, वही कढ़ाई मैं ऐसे डायरेक्ट कढ़ाई में ही रख करके और ढक के रख देती हूँ पूरी रात के लिए, फिर मॉर्निंग में मैं गैस पर चढ़ा देती हूँ और धीमे धीमे ये होता रहता है अपना। मैं अपना खाना पीना भी जो भी बनाना होता है मैं अपना करती रहती हूँ और एक तरफ ये भी होता रहता है। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसको बार बार हम चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे चिपक जाता है, और जब नीचे चिपक जाता है ना तो बहुत सारा उसमें मतलब लग जाता है, तो फिर बर्तन धुलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस बात का ध्यान रखना है और हमेशा ही उसको चलाते रहना है। तो देखिए हमारा घी निकलना स्टार्ट हो गया है, अभी इसको और भी होने देंगे। ये जो पीला पीला इसमें दिख रहा है ना, ये बिल्कुल रेड हो जाएगा, तब समझिए आपका घी अच्छे से निकल चुका है और घी पक चुका है बिल्कुल अच्छी तरह से। तो ये देखिए हमारा घी बिल्कुल बन के रेडी हो गया है और इसका देखिए पहले येलो था, अभी रेड हो गया है, तो इसका मतलब घी हमारा अच्छी तरह से पक चुका है, सारा घी अच्छे से निकल चुका है। तो मैं लेती हूँ एक बाउल और इसमें ये बड़ा वाला मैं छन्नी रखती हूँ और इसे इजिली आराम से मतलब छन जाता है और बिल्कुल कुछ भी मतलब घी में रहता नहीं है। तो बस ऐसे धीरे धीरे करके हम इसको सारा इसमें निकाल लेंगे। तो अभी देखिएगा आप लोग कितना सारा निकला, मतलब 1 किलो से ऊपर ही घी निकला है और ये हमेशा ही मेरा इतना निकलता है और बहुत ही आसान तरीका है। बहुत लोग इसको क्या करते हैं, मलाई को लेंगे फिर हाथ से बहुत देर तक इसको मड़ेंगे पानी डाल डाल के, पहले मैं भी ऐसे करती थी, बट मेरी एक पड़ोसी थी वो ऐसे करती थी, बोलती थी कि क्या इतना झंझट करती हो, हाथ में लगता है, तमाम बर्तन में लगता है और ऐसे किया करो तो निकालने में भी आसानी रहती है और ज़्यादा मात्रा में घी निकलता है। तब से मैं ऐसे करने लगी। तो ये देखिए सारा घी हमने छान लिया है और कितना सारा घी निकला है, आपको कैमरे में बाउल हमारा छोटा दिख रहा बट ये बहुत बड़ा बाउल है, लगभग 1.5 किलो से ऊपर का ये बाउल है। तो देखिए इतना सारा मतलब भर के घी निकला है और ये देखिए सब हमारा पहले का घी मतलब इसी तरह से हमने निकाल के रखा है और ये 6-7 महीने पहले का ये जो ये बड़ा वाला जार दिख रहा है तब का ये घी है, बिल्कुल फ्रेश है, देखिए कुछ भी नहीं होता, आप इसको सालों साल रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो इस ट्रिक से आप भी इसी तरह से आप अगर घी निकालेंगे ना तो 100% आप जो पहले जो घी निकालते थे उसके अकॉर्डिंग ये घी ज़्यादा मात्रा में निकलेगा। आप लोग एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और देखिए घी कितना हमारा फ्रेश है ना, बिल्कुल कोई कमी नहीं है घी में, बहुत ही अच्छी तरह से पका हुआ और कितना सारा निकला हुआ है। तो बस ये बाउल का घी मैं, ये जो खाली वाला कंटेनर दिख रहा है इसमें मैं भर दूंगी। तो देखिए इसमें हमने डाल दिया है घी और मतलब सारा कंटेनर मेरा भर गया है, तो मैं किसी तरह इसमें एडजस्ट करूँगी और उसके बाद से मैं क्या करूँगी, एक ना छोटे से कंटेनर में रखती हूँ मैं, वो डेली यूज़ के लिए रखती हूँ, तो जो बचेगा इसमें से घी मैं उसमें डाल दूँगी। और ये मेरा घी ना जो बिल्कुल फ्रेश है, तीनों मतलब बिल्कुल फ्रेश है, इसमें से मैं लेकर के नहीं वो करती हूँ, एक उधर वाला जो डब्बा है इसमें से मैं डाल लेती हूँ, जैसे डेली यूज़ के लिए मैंने एक अलग निकाल के रखा है, बस उसमें मैं डाल लेती हूँ और ये बिल्कुल फ्रेश रहता है बिल्कुल।
जैसे पूजा वगैरह इस्तेमाल करो तो उसमें आराम से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो बचा वाला घी है हम इस छोटे वाले में डाल देंगे, क्योंकि मैं इसमें डेली यूज़ के लिए इस्तेमाल करती हूँ। तो देखा, ये कमाल का ट्रिक था ना, और बहुत ही आसानी से, बिल्कुल हाथ में भी घी नहीं लगना है, चार बर्तन में भी घी नहीं लगना है, मिक्सर वगैरह जार वगैरह में करने की कोई झंझट ही नहीं है। आप भी इजली इसी तरह से आसानी से और ज़्यादा मात्रा में घी निकाल सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।